आप सभी को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से भावभरा प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्भावस्था में किए जाने वाले योगाभ्यास के बारे में। गर्भावस्था जीवन का अनूठा और मूल्यवान अवसर होता है, जिसमें शरीर, मन, भावनाएं नए निर्माण की ओर बढ़ रहे होते हैं। गर्भवती माँ में हार्मोनल परिवर्तन के कारण शारीरिक, मानसिक बदलाव होते हैं, जिससे कभी कभी थकान, अवसाद, चिंता आ जाती है। इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के शरीर व मन पर पड़ सकता है। इस समय बाह्याभ्यंतर रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास जोड़ें। योगाभ्यास करने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, जो गर्भवती माँ को शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, प्रसन्न और उल्लासपूर्ण बनाता है। यह शांति गर्भस्थ शिशु तक पहुँचती है और उसके समग्र विकास में लाभदायी सिद्ध होती है। प्रतिदिन टहलने का अधिक से अधिक अभ्यास करें। पूरे 9 माह तक नियमित टहलना चाहिए। यह आपके पाचन को ठीक रखता है, साथ ही कब्ज, मधुमेह, मिचली से मुक्ति प्रदान करता है। आप अपनी दिनचर्या में एक विशिष्ट प्रक्रिया और जोड़ सकती हैं, यह है उषापान। उषापान का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। इस प्रक्रिया में सुबह उठकर बिना कुल्ला या मंजन किए सहजता से बैठकर 2 से 3 गिलास पानी पीना है, जिससे आपको विभिन्न रोगों जैसे कब्ज, खांसी, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, एसिडिटी, मधुमेह, हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पूरे दिन अधिक से अधिक जल का सेवन करें। गर्भावस्था में किए जाने वाले योगाभ्यास से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। योगाभ्यास के लिए प्रातः शांतिपूर्ण प्राकृतिक स्थान का चयन करें। ढीले ढाले वस्त्रों का प्रयोग करें। अभ्यास से पूर्व स्नान कर लें अथवा अभ्यास के 1 घंटे बाद स्नान करें, ताकि आपके शरीर का तापमान संतुलित हो जाए। खाली पेट अभ्यास करें अथवा भोजन के 3 से 4 घंटे बाद अभ्यास करें। गर्भावस्था में किए जाने वाले योगासन का लाभ। योगासन शरीर को लचीला बनाते हैं, पूरे शरीर में रक्त का संचार संतुलित करते हैं। योगासन पैल्विक क्षेत्र को लचीला बनाकर गर्भाशय ग्रीवा को तनाव मुक्त कर कम दर्द वाले प्रसव में सहायक सिद्ध होते हैं। आसन से गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं जैसे कमर दर्द, पैरों की सूजन, कब्ज, चिंता, हाइपर एसिडिटी, मधुमेह, रात को अच्छी नींद न आना आदि से मुक्ति प्रदान करते हैं। गर्भावस्था के दौरान योगासन में रखी जाने वाली सावधानियाँ। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ऐसे आसन ना करें जिनको करने में कठिनाई हो या निचले हिस्से में दबाव पड़े। पहली तिमाही में खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास सहजता के साथ करें। इससे आपके पैरों को मजबूती मिलेगी, पैरों की ऐंठन दूर होगी। दूसरी एवं तीसरी तिमाही में थकावट से बचने के लिए ज़्यादा देर आसनों का अभ्यास ना करें। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास ना करें। ध्यान दें, अपने शरीर की क्षमता सहजता के अनुसार ही अभ्यास करें। गर्भावस्था में किए जाने वाले
योगा अभ्यास का प्रारंभ प्रार्थना से दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ॐ संगच्छद्वं संवदद्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, मुखमंडल में लगाएं, मस्तिष्क में लगाएं, हृदय क्षेत्र में लगाएं। आइए योगासन का प्रारंभ करते हैं पादांगुली नमन से। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठें, पैरों की उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर लाना है। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। इन अभ्यासों को 5 से 10 बार दोहराएं। गर्भावस्था में होने वाली समस्या जैसे पैरों की ऐठन, पैरों की सूजन से यह अभ्यास मुक्ति प्रदान करते हैं। गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में पैरों के पंजों को श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लाएं, श्वास लेते हुए पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लाएं, श्वास लेते हुए पीछे की ओर ले जाएं। इन अभ्यासों को 5 से 10 बार करें। गुल्फ नमन से पूरे शरीर में रक्त का संचार संतुलित होता है, पैरों की ऐंठन, पैरों के दर्द से मुक्ति मिलती है। अभ्यास पूर्ण करने के बाद कुछ समय के लिए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र का है। इसमें दोनों पैरों के पंजों से चक्र बनाना है। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। इन अभ्यासों को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराएं। इन अभ्यासों को करने से पैरों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलती है। कुछ देर के लिए आराम की अवस्था में बैठें, आंखें बंद कर लें। गुल्फ घूर्णन। इसमें अपने दाएं घुटने को मोड़कर बाएं जांघ पर रखें, हाथ की सहायता से टखने को गोल गोल घुमाएं। इस अभ्यास को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। बेहतर प्राण संचार का अनुभव करें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। कुछ देर आराम की अवस्था में बैठ जाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य। अगला अभ्यास पूर्ण तितली का है। इसके लिए अपने पैरों के पंजों को हाथों की सहायता से पीछे की ओर लेके आए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लॉक बनाएं, धीरे धीरे घुटनों को ऊपर की ओर लेके आए, धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर लाएं।
ये अभ्यास पैल्विक क्षेत्र को लचीला बनाते हैं, कमर दर्द को ठीक करते हैं, निचले हिस्से के तनाव को कम करते हैं, जिससे कम दर्द वाले प्रसव में सहायक सिद्ध होते हैं। हाथों की सहायता से सहजता के साथ घुटनों को नीचे की ओर दबाएं। मुष्टिका बंध, मुष्टिका बंध में दोनों हाथों को कंधे की सीध तक ऊंचा उठाएं, कोहनियां सीधी रखें, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें, श्वास छोड़ें, श्वास लेते हुए मुट्ठी खोलें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें, श्वास लेते हुए मुट्ठी को खोलें। इन अभ्यासों को 5 से 10 बार दोहराएं। कुछ देर के लिए आराम की अवस्था में बैठें। नमन, इसके लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में लेके आए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर लेके जाएं, श्वास लेते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां नीचे की ओर, श्वास लेते हुए हथेलियां ऊपर की ओर। इन अभ्यासों को 5 से 10 बार दोहराएं। मणिबंध चक्र, मणिबंध चक्र के लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाएं, अंगूठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करें, कलाइयों को वृत्ताकार घुमाएं। इन अभ्यासों को 5 से 10 बार करें। ये अभ्यास पूरे शरीर में रक्त संचार को संतुलित करते हैं, हाथ दर्द, हाथों के तनाव से मुक्ति प्रदान करते हैं। कोहनी नमन, कोहनी नमन के लिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में लेके आएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, श्वास लेते हुए सामने की ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं, श्वास लेते हुए सामने की ओर लाएं। इसी अभ्यास को इस तरह से करें। यह अभ्यास कंधे दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल से मुक्ति प्रदान करते हैं। सामान्य अवस्था में आ जाएं। स्कंद चक्र, स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऊंचा उठाएं, धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें, धीरे धीरे श्वास लेते हुए चक्र बनाना है, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। इन अभ्यासों को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराएं। इससे कंधे में होने वाले दर्द, सर्वाइकल से मुक्ति मिलती है। ग्रीवा संचालन, ग्रीवा संचालन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आए, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान दें, यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को सामने की ओर ना झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर, श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। यदि आपको आंख बंद करके इस अभ्यास को करने में कोई समस्या होती है तो इस अभ्यास को आंख खोल कर करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर,
श्वास लेते हुए पीछे की ओर सामान्य स्थिति। इसी अभ्यास को दाएं और बाएं ओर करना है। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। सामान्य स्थिति। इसी में अगला अभ्यास गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ने का है। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। प्रसंचालन में अगला अभ्यास पूरी गर्दन को घुमाने का है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर लाएं। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान दें, यदि आपको सर्वाइकल है तो गर्दन को सामने की ओर ना लाएं। यदि आपको आंखें बंद करके अभ्यास को करने में कोई समस्या होती है तो आंखों को खोलकर इस अभ्यास को करें। दिन भर की थकान को यह अभ्यास ठीक करता है। पूरे शरीर में रक्त संचार को संतुलित करता है। शरीर के तनाव को कम करता है। ताड़ासन के लिए पैरों को मोड़कर इस स्थिति में खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। हाथों को आपस में मिला लें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। यह अभ्यास शरीर दर्द एवं तनाव को कम करते हैं, कब्ज को ठीक करते हैं। ध्यान दें, यदि इस अभ्यास को करने में चक्कर आते हों तो इस अभ्यास को ना करें। कोणासन के लिए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सहजता के अनुसार बाईं ओर झुकें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। कोणासन आपके शरीर को और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, कमर दर्द को कम करता है, कब्ज से मुक्ति प्रदान करता है। उत्कटासन। उत्कट आसन के लिए श्वास लेते हुए हाथों को कंधे की बराबरी तक लेके आएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। यह अभ्यास कमर दर्द में लाभ प्रदान करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, कब्ज को दूर करता है, भूख बढ़ाता है और पाचन में सुधार करता है। पैल्विक मांसपेशियों को लचीला बनाता है। यह अभ्यास गर्भावस्था में बेहद फायदेमंद है। साइड बेंडिंग के लिए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। पैरों के बीच में थोड़ा अंतर कर लें। अपने दाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें, जितनी सहजता के साथ आप झुक सकें।
इसी अभ्यास को बाएं हाथ से करें। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, अगला अभ्यास है स्क्वैटिंग। दोनों हाथों को जोड़ लें, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। स्क्वैटिंग पेल्विक मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और लचीला बनाता है। ध्यान दें, यदि इन अभ्यासों को करने में कोई समस्या हो तो इन अभ्यासों को ना करें। रज्जुकर्षण, रज्जुकर्षण के लिए सामान्य स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, मुट्ठी बंद करते हुए नीचे की ओर लेके आएं। यही अभ्यास दाएं हाथ से करें। आपका पूरा ध्यान आपके हाथ के अंगूठे पर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर। इस अभ्यास को 3 से 5 बार करें। यह अभ्यास हाथों के और कंधों के दर्द से मुक्ति प्रदान करते हैं, सर्वाइकल की समस्या में लाभ प्रदान करते हैं। कुछ देर के लिए आराम की स्थिति में बैठें। चक्की चालासन के लिए पैरों को सामने लेकर आएं। सहजता के साथ जितना अंतर पैरों के बीच में कर सकते हैं पैरों को फैला लें। दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए ग्रिप बनाएं, जितना संभव हो आगे की ओर और पीछे की ओर झुकें। इस अभ्यास को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। गर्भाधान के प्रथम 3 महीनों में सावधानी और सहजता के अनुसार इन अभ्यासों को करें। प्रसव के बाद भी यह अभ्यास लाभकारी, कमर दर्द को ठीक करते हैं, रक्त परिसंचरण को संतुलित करते हैं। इन अभ्यासों को करते हुए बेहतर प्राण संचार का अनुभव करें। वज्रासन, वज्रासन के लिए घुटनों को मोड़ते हुए सहजता के साथ इस स्थिति में बैठ जाएं। भोजन के बाद किया जाने वाला एक मुख्य अभ्यास जो वज्र नाड़ी को प्रभावित करता है। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन एक सीध में, हाथ जांग के ऊपर। वज्रासन पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को संतुलित करता है, कम दर्द वाले प्रसव में सहायक सिद्ध होता है। मार्जारी, मार्जारी के लिए इस अवस्था में आ जाएं। ध्यान दें, यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को सामने की ओर ना झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर, पीठ ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर की ओर, पीठ नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर, श्वास लेते हुए गर्दन पीछे की ओर। 6 महीने तक सहजता के साथ इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, कंधों और गर्दन की मालिश करते हैं, रक्त परिसंचरण में सुधार लाते हैं और सावधानी के साथ इस
अभ्यास को करें सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, धीरे धीरे श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके आएं, हथेलियों को जमीन पर रखें, हथेलियों का सहारा लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। यह अभ्यास कमर दर्द को ठीक करते हैं, कमर में रक्त संचार को संतुलित करते हैं। सहजता और सावधानी के साथ इन अभ्यासों को करें, सामान्य स्थिति में आ जाएं। हस्त पादांगुष्ठासन, इसके लिए अपने दाएं पैर को फैलाकर दाएं हाथ से पकड़ें। सहजता और सावधानी से इस अभ्यास को करें। इसी अभ्यास को बाईं ओर से करें। यह अभ्यास कमर दर्द में लाभ प्रदान करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, तंत्र की अवसाद दूर करता है, पैल्विक क्षेत्र को लचीला बनाकर गर्भाशय ग्रीवा के तनाव को कम करता है। गर्भावस्था के दौरान बेहद फायदेमंद अभ्यास। क्रीड़ासन, गर्भावस्था के महीनों में इस तरह से सहजता के साथ करने का अभ्यास करें। यह अभ्यास कब्ज दूर करता है, सियाटिका दर्द में आराम प्रदान करता है। गर्भ के महीनों में पीठ के बल लेटने से मुख्य शिराओं में दबाव पड़ सकता है और रक्त संचार में व्यवधान पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यह अभ्यास विश्रांति कारक है, कमर दर्द को ठीक करता है। शवासन, शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लें, हाथों को शरीर से कुछ दूरी बनाकर रखें, हथेलियां खुली हुई, उनका सिरा आसमान की ओर, सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखें, आंखें सहजता से बंद कर लें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर लगाएं, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें और मन को शांत करने का प्रयास करें। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल, मन शांति की अवस्था में, सब प्रकार के तनाव, चिंता, नकारात्मक विचार समाप्त, पूरे शरीर से तनाव समाप्त, किसी अंग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, पूरा शरीर आराम की अवस्था में, मन आराम की अवस्था में, पूरा शरीर शांत स्थिर, मन शांत, पूर्णतः आराम की अवस्था में। भाव करिए हाथ पैर पेट छाती धड़ कमर पीठ कंधा सिर
पूरा शरीर आराम की अवस्था में, परम शांति की अवस्था में अपने शरीर को हल्का करने का प्रयास करिए। अनुभव करिए कि आप अंदर से हल्के हो रहे हैं। भाव करिए कि आप चिंता मुक्त, थकान से मुक्त, परेशानी से मुक्त हो रहे हैं, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, हर तरह से पूर्ण आराम की अवस्था, हर तरह से पूर्ण आराम की अवस्था, परम शांति की अवस्था, पूर्ण आराम की अवस्था, मन शांत, आराम की अवस्था में परम शांति, परम शांति की अवस्था में शवासन के माध्यम से आपको एवं आपके शिशु को दिव्य सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई, पूर्णतः आराम की स्थिति का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने पैरों को हिलाएं, आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अंगड़ाई लें, बाई करवट लेकर उठकर बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें, हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों में स्पर्श करें, मस्तक में स्पर्श करें, धीरे धीरे आंखों को खोलें, सामान्य अवस्था में आ जाएं।